नमस्कार साथियों, यह है नवंबर 2018 का जो करंट अफेयर है वो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहला बिंदु है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा तैयार वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस के मुताबिक भारत की मिट्टी जैव विविधता गंभीर खतरे में है। इस एटलस में पाकिस्तान, चीन, अफ्रीका और यूरोप के कई देश और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ग्रहों की बोध कराने वाले कैपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन समाप्त हो जाएगा। यह दूरबीन 9 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाला है। तो इसमें इस स्पेसशिप जो है कैपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन जो है इसका नाम आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 23 पायदान सुधार के साथ 77वीं रैंक में आ गया है और 2017 में 100वें स्थान पे था। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत सबसे आगे है। भारत दूसरे साल लगातार टॉप टेन सुधारक देशों में शामिल हुआ है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पिछली बार का जो था वो था आपका, पिछली बार वाला 100 स्थान पे था और अब जो है वो आपका 77 पोजीशन पे है। तो ये 77 आपको याद रखना है। भारत में 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मलयालम फिल्म ओलू इस वर्ष IFFI की 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म होगी और उसका आयोजन होगा गोवा में किया जाएगा। तो यहाँ पे फिल्म का नाम ध्यान रखना है ओलू। एक्शन डायरेक्टर अनुपम खेर ने हाल ही में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी SS देसवाल को 31 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको? SS देसवाल को। अपने कमजोर प्रवाल चट्टानों की रक्षा के प्रयास में सनस्क्रीन पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश पलाऊ देश है। सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है पलाऊ। कतर देश अगले वर्ष विश्व कॉरपोरेट खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा, कतर देश। इसके आगे बात करते हैं, पेटीएम वनडे सीरीज 2018 के 5वें और अंतिम मैच में 99 रन से भारत की जीत विराट कोहली ने दर्ज की है। जो मैन ऑफ द सीरीज भी विराट कोहली को दिया गया है, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को, और रोहित शर्मा को फेयर ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गोर्जियन 2018 भारत और जापान देश के बीच 1 नवंबर से 14 नवंबर तक भारत के वेरेंट में स्थित काउंटर इमरजेंसी वारफेयर स्कूल में आयोजित किया गया है। धर्म गोर्जियन भारत और जापान, भारत के साथ जापान इसको आयोजित किया। नवंबर 2018 में झारसुगड़ा हवाई अड्डा ओडिशा का नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डे के रूप में बदल दिया गया है। झारसुगड़ा हवाई अड्डा ओडिशा का जो था उसका नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डे का नाम दे दिया गया है। वीर सुरेंद्र साई स्वतंत्रता सेनानी थे और 1809 में संबलपुर ओडिशा के पास खिंडा गांव में पैदा हुए थे। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से हवाई अड्डे को वीर सुरेंद्र नाम से घोषित किया है या झारगुंडा हवाई अड्डा ओडिशा का नया नाम क्या है। इसके बाद में नवंबर 2018 में यूनाइटेड किंगडम के निर्माता ने हाल ही में भारतीय नौसेना की डीप सबमर्जिन रेस्क्यू वेसल की आपूर्ति की है। रोम इटली में आयोजित फिल्म महोत्सव अवसर पर वर्चुअल रियलिटी वीडियो गेम्स एनिमेशन और फिल्म निर्माण पर आयोजित वीडियो सिटी 2018 में भारत भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने INS विराट को एक अस्थायी संग्रहालय में बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नवंबर 2018 में लॉन्च की गई 281 एंड बियॉन्ड नामक आत्मकथा भारतीय खिलाड़ी VS लक्ष्मण की है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि 281 एंड बियॉन्ड क्या है, तो ये भारतीय खिलाड़ी VS लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। VVS लक्ष्मण भारतीय प्लेयर हैं क्रिकेट के।
सेसल्स देश ने दुनिया का पहला ब्लू ब्रांड प्रस्तुत किया है। ये एक वित्तीय उपकरण है जो स्थायी समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का सतत विकास करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसने विकसित किया है? सेसल्स देश ने। अगले प्रश्न की बात करें, पत्रकारिता 2018 के उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित IPI इंडिया अवार्ड इस वर्ष वीक पत्रिका का नाम है वीक और उसकी एक पत्रकार हैं नम्रता विजय आहूजा, उसको ये दिया गया है, नम्रता विजय आहूजा को। भारत और नेपाल के बीच पहली रेली यात्री रेल सेवा 4 नवंबर से शुरू हुई है और बिहार में बथनाहा से नेपाल के मोरांग जिले के कटहरी स्टेशन तक ये जाएगी। नेपाल से जोड़ने वाला ये मार्ग 18.1 किलोमीटर का है, जिसका 13.1 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में पड़ेगा। 18 किलोमीटर का है जिसमें 13 किलोमीटर आपका नेपाल में है और 5 किलोमीटर भारत में है, ये ध्यान रखना है। भारत में INS अहिरंत की पहली निवारक गश्त सफलतापूर्वक तय की गई है। इस गश्ती अभियान के दौरान अरिहंत की टीम ने एक महीने तक इसकी मारक क्षमता का सफल परीक्षण किया। अरिहंत की इसी वापसी से भारत का परमाणु त्रिभुज पूरा हो गया है। अब भारत समुद्र में भी परमाणु हमला करने में सक्षम देश बन गया है। इस क्रम में ये छठवां देश है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत छठवां देश है जिसने नाभिकीय त्रिकोण पूरा किया है। त्रिकोण का मतलब है जल, थल और वायु तीनों में जिसमें सक्षमता हासिल की हो। उच्चतम न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में की गई है, जिसमें एक है जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता जो ही MP उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। सुभाष रेड्डी हैं, गुजरात हाईकोर्ट से लिया गया है। MR शाह है, पटना हाईकोर्ट से, और अजय रस्तोगी त्रिपुरा हाईकोर्ट से। ये दोबारा देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता, सुभाष रेड्डी, MR शाह और अजय रस्तोगी। प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांसीसी द्वीप न्यू सेलिडोनिया के निवासियों ने जनमत संग्रह से फ्रांस में आज़ादी की मांग को नकार दिया है। बता दें कि 4 नवंबर को फ्रांस से आज़ादी को लेकर जनमत संग्रह करवाया गया था। प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांसीसी द्वीप न्यू सेलिडोनिया, ये न्यू सेलिडोनिया जो है वहाँ पे जनमत संग्रह द्वारा फ्रांस से अलग होने की बात चल रही थी, लेकिन उसको नकार दिया गया है। हाल ही में यूरोपीय देश ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़े भारतीय सैनिकों का सम्मान करने के लिए एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। नवंबर 1918 में खत्म हुए प्रथम विश्व युद्ध में 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समय धविका में 100 फुट के इस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 5 नवंबर 2018 को दिल्ली में सार्वजनिक खरीद और प्रतिबंध कानून को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। टेनिस खिलाड़ी करेन खाचनोव ने 2018 में पेरिस मास्टर्स पुरुष एकल खिताब जीता है। किसने? करेन खाचनोव ने, खोचनोव ने। भारतीय युवा शटलर शुभंकर डे ने 4 नवंबर को अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है। उन्होंने जर्मनी के सारबक्रेन में सारलोरक्स ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रिटिश के शीर्ष खिलाड़ी राजीव ओसप को हराया है। शुभंकर डे का नाम आपको ध्यान रखना है। IIT मद्रास ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, प्रश्न आएगा इस प्रकार के, वोटेज शक्ति, शक्ति क्या है? तो ये पहला भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। इसका इस्तेमाल मोबाइल कंप्यूटिंग और अन्य उपकरणों में किया जा सकता है। भारत की प्रेस काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित राजा राममोहन राय पुरस्कार 2018 के लिए प्रसिद्ध पत्रकार एवं द हिंदू प्रकाशन के समूह के अध्यक्ष एन राम को चुना गया है। इसमें अमेरिका ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के बावजूद भारत और अन्य 7 देशों चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान, इटली, तुर्की, ग्रीस, ताइवान को स्थायी रूप से ईरानी कच्चे तेल की खरीद की अनुमति दे दी है। इसके आगे बात करते हैं, 5 नवंबर 2018 को भारत और मलावी ने प्रत्यर्पण पर 3 MOU
पर हस्ताक्षर किए हैं, परमाणु ऊर्जा में सहयोग एवं राजनयिकों और अधिकारियों के लिए वीज़ा छूट पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 नवंबर 2018 को दक्षिणी कोरिया की पहली महिला किम जंग सूक ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रानी हू मेमोरियल पार्क के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भाग लिया है। दक्षिणी कोरिया की पहली महिला किम जंग सूक ने अभी इसमें भाग लिया है। किम जंग सूक ने 5 नवंबर 2018 को भारत और दक्षिणी कोरिया के पर्यटन एवं खेल क्षेत्र में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑपरेशन ग्रीन के तहत टमाटर, आलू और प्याज की फसलों की कीमतों को स्थिरता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। टमाटर, आलू और प्याज के लिए भारतीय निशानेबाज अंगद वीर सिंह बाधवा ने 8वीं एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में 6 नवंबर को पुरुष स्क्रीट फाइनल में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिवाली के मौके पर दिया चित्रित डाक टिकट जारी किया है। जिसपे दीपक बनाया गया है और ऐसा एक डाक टिकट संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिवाली के अवसर पर रखा गया है। भारत अगले 4 वर्षों की अवधि 2019 से 2022 के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद का सदस्य चुना गया है। 2022 तक भारत रहेगा। नासा के राल्फ और लूसी को बृहस्पति के ट्रोधन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्र के लिए अपने दूसरे इंटरप्लानेटरी मिशन के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। 14 नवंबर को पश्चिम बंगाल ने रसोगुल्ला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 14 नवंबर बाल दिवस को पश्चिमी बंगाल ने रसोगुल्ला नाम से का उत्सव मनाने का फैसला किया है। 8 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा कर्नाटक के पादूर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने की मंजूरी दे दी है। एमपी राज्य में भारत का पहला केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। एमपी में मध्य प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापित किया जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश में ही भारत के तीसरे केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। राज्य का भी और देश का तीसरा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम डेंजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 11वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कुवैत में किया गया है। भारतीय युवा निशानेबाज मनु भाकर और सौरव चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर मिश्रित पिस्टल स्पर्धा में चीन की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है। 9 नवंबर को थलसेना में 3 प्रमुख तोप प्रणालियों को शामिल किया है, जिसमें M777 अमेरिकी अल्ट्रालाइट हैवियर और K9 वज्र शामिल हैं। 12 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक शीतलन नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। रूस ने 9 नवंबर को मास्को में अफगानिस्तान पर एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की है। पहली बार तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में इसमें भाग लिया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से देश में भारत स्टेज 4 BS4 श्रेणी के वाहनों को बिक्री नहीं होगी। 1 अप्रैल 2020 इसकी डेडलाइन जो है घोषित की गई है। रेलवे ने अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई वाला का नाम बदलकर हाउसकीपिंग सहायक सिंगापुर 11 नवंबर से 15 नवंबर तक सैनटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में 33वें एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को वाराणसी में गंगा नदी पर पहले बहुमॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। कहां पर? गंगा नदी पर। क्या उद्घाटन किया है? बहुमॉडल टर्मिनल। सुपर कंप्यूटर जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मस्तिष्क का विकास किया गया है, जिसका नाम स्पिन नेकर। समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास भारत और इंडोनेशिया 12 नवंबर से 18 नवंबर तक ये अभ्यास किया गया है। भारत और इंडिया से समुद्री शक्ति के नाम से है भारत और इंडोनेशिया।
इसके क्या उद्देश्य हैं? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग का विस्तार करना, अतः क्रियाशीलता में वृद्धि, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना। इंद्र सैन्य अभ्यास किया गया है भारत और फ्रांस के मध्य और 18 नवंबर से यूपी के झांसी में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। इंद्र भारत और रूस हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की 10वीं वर्षगांठ 13 नवंबर को कोची में ये आयोजित की गई है। यह संगोष्ठी एक समावेशी और स्वैच्छिक पहल है। इसका समुद्री सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा की वृद्धि के लिए इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया है। स्पाइडरमैन और हल्क जैसे सुपर हीरो बनाने वाले प्रसिद्ध हास्य पुस्तक स्टैनली की पुस्तक लेखक स्टैनली की हाल ही में मृत्यु हो गई है। स्टैनली नाम का ये पात्र था। 14 नवंबर को पोर्ट ब्लेयर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगे पहराने की वर्षगांठ 75वीं के मौके पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का यहाँ पे जारी किया गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में रजत सिल्वर प्राप्त किया है। साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन में भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रवीण कुमार ने वर्ष 2018 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के वैज्ञानिक ओसामु सिरामुजो का हाल ही में निधन हुआ है, जो 2008 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ओसामु सिरामुजो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम बजरंग पूनिया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया। दिवाली पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दीपावली स्वस्थ दीपावली अभियान की शुरुआत की गई थी। हरित दीपावली स्वस्थ दीपावली हाल ही में महारानी जिंदन कौर की कीमती घर 1,87,000 पाउंड में नीलाम हुआ। महारानी जिंदन महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय रेल द्वारा तैयार की गई बिना इंजन की रेल का नाम ट्रेन 18 रखा गया है। ट्रेन 18 बिना इंजन की रेल है। श्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2018 के सियोल शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि निजीकरण मानवाधिकारों के लिए हितकर नहीं है। वित्तीय सेवाएं देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी क्रेडिट स्विस को ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत देश के शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की आधी से अधिक संपत्ति 51.5% संपत्ति है। 1% अमीरों के पास 51.5% संपत्ति है और 99% लोगों पे 48% संपत्ति है। हाल ही में कुल्लू दशहरा के अवसर पर नारी गरिमा का संदेश देने के लिए भारत में 300 महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में एक साथ लोक नृत्य किया। कुल्लू दशहरा क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले जो क्रिकेटर हैं वो विराट कोहली हैं। आदिल अब्दुल मेहदी इराक के नए पीएम हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार भारत देश 2024 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा। चीन देश की मदद के लिए वर्ष 2022 में पाकिस्तान अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्री को स्पेस भेजेगा। चीन देश की मदद से वर्ष 2022 में पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को स्पेस भेजेगा। 11वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया गया। भारत देश ने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड जीता है। प्रधानमंत्री ने लखनऊ शहर में आयोजित कृषि कुंभ 2018 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो कृषि कुंभ 2018 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। किसने उद्घाटन किया? आपके मोदी सर ने। हाल ही में चर्चित शब्द इफी कोशेंट का उपयोग फेक न्यूज जांचने के लिए किया जाता है। इफी कोशेंट फेक न्यूज जांचने का है।
केन्यादेश धावक अब्राहम किपटुन ने बालेशिया में हाफ मैराथन में 58:18 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। केन्या के अब्राहम किपटुम प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए $3,00,000 का योगदान दिया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में तेल और गैस पाइपलाइन के अंतर की स्थिति की निगरानी करने के लिए बेहद सूक्ष्म रोबोट बनाया है। जापान देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सहयोग की पुष्टि करने वाला 48वां देश बन गया है। हाल ही में चीन देश द्वारा घोषणा की गई है कि वह दक्षिणी ध्रुव में देश के पहले स्थायी हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। चीन देश की निजी कंपनी द्वारा संचालित ZQ-1 नामक रॉकेट को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास असफल रहा। स्पेस लाइफ ओरिजन नीदरलैंड ने वर्ष 2024 तक अंतरिक्ष में बच्चे को जन्म देने को संभव बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्पेस लाइफ ओरिजन एक संस्था है नीदरलैंड की, उनका यह उद्देश्य है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म PwC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या में युवा आबादी की वृद्धि देखते हुए अगले दशक में उसे ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी का 5 गुना रोजगार, लगभग 10 करोड़ रोजगार सृजित करने होंगे। भारत के बिहार राज्य में विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाए जाने की योजना है। भारत के बिहार में हाल ही में दिल्ली राज्य में बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में। वैज्ञानिकों को अर्जेंटीना में शाकाहारी डायनासोर सेरोफोर्स समूह की एक नई प्रजाति के 11 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। सूर्य तारों एवं वायुमंडल का प्राकृतिक रूप से निर्माण करने वाले कणों के अध्ययन हेतु न्यूट्रिनो में वैद्यशाला की स्थापना को हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मंजूरी प्रदान की है। सूर्य तारों और वायुमंडल का प्राकृतिक रूप से निर्माण करने वाले कणों के अध्ययन हेतु न्यूट्रिनो वैद्यशाला की स्थापना को हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मंजूरी प्रदान की है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 100% सरकारी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में थाईलैंड ने 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच भारत समेत 20 देशों को वीज़ा ऑन अराइवल के शुल्क में छूट देने की घोषणा की है, जिसमें पर्यटकों करीब 4400 रुपये का फायदा होगा। चीन बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास स्टार्टअप इंडिया संघ और वेंचर गुरुकुल के सहयोग से 12 नवंबर 2018 को दूसरी स्टार्टअप इंडिया निवेश बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2018 का तीसरा संस्करण का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो आपके मेघालय स्टेट में मनाया जाता है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्स पंकज आडवाणी ने 15 नवंबर को 150 अप प्रारूप में अपना लगातार तीसरा IBF बिलियर्स खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने नीति आयोग द्वारा बनाई गई हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बीके सारस्वत को चुना गया है। भारतीय धावक हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया का युवा राजदूत नियुक्त किया गया है। हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया का युवा राजदूत नियुक्त किया गया है। 16 नवंबर को तमिलनाडु तट से टकराने वाले तूफान का नाम गाजा है। 16 नवंबर को तमिलनाडु तट से टकराने वाले तूफान का नाम गाजा था। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। ओरेकल के पूर्व उत्पाद अध्यक्ष थॉमस कुरियन डियान ग्रीन की जगह गूगल के क्लाउड डिवीजन का नेतृत्व किया करेंगे थॉमस कुरियन। ITTF चैनल वेल्गो स्ट्रक्स बेलारूस ओपन में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम मानव ठक्कर है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया, जिसकी विषय था वैन नेचर कॉल्स। पहले किलोग्राम के रूप में परिभाषित की गई मापक इकाई अब प्लैंक कांस्टेंट के रूप में परिभाषित की जाएगी। प्लैंक कांस्टेंट।
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दक्षिणी गोलार्ध के देश ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र प्रवासन संधि को खारिज कर दिया है। रेडियो कश्मीर को टाइम ऑफ पीस एंड वार, रेडियो कश्मीर टाइम ऑफ पीस एंड वार के एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं राजेश भट्ट। सातवां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्टर का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा 22 से 24 नवंबर 2018 को आयोजित त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया। 59वें सुब्रत कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जूनियर का विजेता हैं बांग्लादेश, उप विजेता अफगानिस्तान। नेपाल में भारत के दूतावास और भारतीय उद्योग परिसंघ ने 21 नवंबर को काठमांडू के पास भक्तपुर में निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी कॉनमैक 2018 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन से अलग होने का आधिकारिक तारीख 29 मार्च 2019 है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने का आधिकारिक तारीख 29 मार्च 2019 29/3/2019 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने करतपुर कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और ये पाक में रावी नदी के तट पर गुरुदासपुर पंजाब के जिले के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर से जुड़ जाएगा। भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तहत एशिया विश्व पर्यावरण परिवर्तन पुस्तकालय प्राप्त किया है। 12वें एशियाई प्रशांत स्क्रीन अवार्ड पुरस्कार से फिल्म निर्माता नंदिता दास को सम्मानित किया जाएगा। सितार और सुरबहार वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद इमरत खान का 23 नवंबर 2018 को निधन हो गया। वे इबाद खानी घराने से संबंधित थे उस्ताद इमरत खान। दिसंबर 2018 में भारत में लॉन्च होने वाले पहले क्वाड्रिसिकल का नाम बजाज क्यूट है, बजाज क्यूट। 6 स्वर्ण पदक जीतकर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाली मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम हैं। 23 नवंबर को भारत सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5% अनुदान की घोषणा की गई है। महिला विश्व 2018 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वुमन 2018 विजेता है ऑस्ट्रेलिया। नासा का अंतरिक्ष यान इनसाइट 26 नवंबर से 27 नवंबर को रात मंगल ग्रह पर उतरा है और वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, अपने नए वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होंगे। इस प्रकार ये नवंबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में शामिल किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।